back. मैं हूं निम्रा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत गाड़ियों चोरी के लिए सख्त सजाओं पर गौर कर रही है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि गाड़ियां छीनने की पुरतशद्दद कार्रवाइयां पहले नहीं देखी। चोरीशुदा कारों की बैरून मुल्क मार्केट फैल रही है। टोरंटो में आने वाले दिनों में मामूल से ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान। टोरंटो और GTA में नाफज धुंध की एडवाइजरी हटा दी गई। शहर में अगले हफ्ते से बर्फबारी शुरू होने का इम्कान। आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो मशवरा दिया है कि इनकी हुकूमत गाड़ियों चोरी के लिए सख्त सजाओं पर गौर कर रही है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मशवरा दिया है कि उनकी हुकूमत गाड़ियों की चोरी के लिए सख्त सजाओं पर गौर कर रही है, क्योंकि RCMP के सरबराह ने खबरदार किया है कि कुछ चोरियां इंतहाई तशद्दुद के साथ की जा रही हैं। RCMP कमिश्नर माइक डोहम ने ऑटावा में गाड़ियों की चोरी पर एक दिन तक चलने वाले कौमी समिट को बताया कि ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं थी और इंतहाई तशद्दुद जो इससे वाबस्ता है और जो हम देख रहे हैं, ये वो चीज़ है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये समिट ऐसे वक्त में हुआ है जब ट्रूडो को इस मसले को हल करने के लिए बढ़ते हुए दबाव का सामना है। कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने ऑटो चोरी में इजाफे पर लिबरल्स को मौरद इल्ज़ाम ठहराया है। पॉलिवर ने सख्त सजाएं भी तजवीज़ की हैं और इस अजम का इजहार किया है कि कंजर्वेटिव हुकूमत तीसरी बार ऑटो चोरी के मर्तकब होने वालों के लिए लाजमी कैद की सजा को 3 साल तक बढ़ा देगी। अपने हरीफ पर तनकीद करते हुए ट्रूडो ने कहा कि दिलकश नारे और 2 मिनट की वीडियो से मसला हल नहीं होंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुनज़्ज़म जुर्म ज्यादा ढिटाई से होता जा रहा है और चोरी शुदा कारों की बैरून मार्केट फैल रही है। ऑटो चोरी पर क्रैकडाउन का मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारों, सरहदी खिदमात, बंदरगाह के हुकाम, कार साजों और इंश्योरेंस कंपनियों को साथ लाना है। ऑन्टेरियो के सूबाई पुलिस कमिश्नर थॉमस कैरिक, जिनकी सर्विस एक ऐसे सूबे में काम करती है जिसे कार चोरी का गढ़ समझा जाता है, ने कहा कि आमतौर पर कार चोरी के लिए दी जाने वाली मुजरिमाना सजाएं इतनी मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में पुरतशद्दद ऑटो चोरी में 2006% इजाफा हुआ है। सरबराही इजलास से पहले वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो चोरी शुदा गाड़ियों की बरामदात को रोकने में मदद के लिए $28 मिलियन खर्च करेगी। लिबरल हुकूमत ने बुध को कहा कि ये रकम CBSA को चोरी शुदा कारों को ले जाने वाले शिपिंग कंटेनर्स का पता लगाने और तलाश करने की मजीद सलाहियत फराहम करेगी। टोरंटो के शहरी आने वाले दिनों में मामूल से ज्यादा गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी आने वाले दिनों में मामूल से ज्यादा गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। जुमेरात की सुबह टोरंटो और GTA को लपेट में लेने वाली धुंध की एडवाइजरी को ज्यादातर इलाकों से हटा दिया गया है और हफ्ते के आखिर से पहले मुमकिन तौर पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। कुछ मकामात पर हद निगाह को कम करके सिफर कर दिया गया था और एनवायरनमेंट कनाडा ने सुबह के औकात तक मुंजमद धुंध और फिसलन वाली गलियों से खबरदार किया था। टोरंटो और ज्यादातर GTA के लिए एडवाइजरी सुबह 10 बजे के बाद हटा दी गई, लेकिन हॉल्टन पील के लिए नाफजल अमल रही। धुंध वाले हालात शुमाल में बैरी और रिलिया तक फैले हुए थे, हालांकि उन इलाकों में सुबह 7:30 बजे के करीब एडवाइजरी खत्म हो गई थी। टोरंटो प्रेस ने खबरदार किया कि हवाई अड्डे पर आने वाली कुछ परवाजों में ताखीर हो सकती है, क्योंकि अमला कम बसारत की वजह से
हवाई जहाज के बहाव का इंतजाम करता है। माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि धुंध चारों तरफ नहीं रहेगी क्योंकि टोरंटो जुमेरात को 4 सेंटीग्रेड की बुलंदी तक पहुंच गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहरियों को जुमे को मुमकिन तौर पर रिकॉर्ड कायम करने वाली गर्मी देखने को मिलेगी क्योंकि 12 सेंटीग्रेड के करीब दर्जा हरारत के साथ चीज़ें हल्की हो जाती हैं। 9 फरवरी का टोरंटो रिकॉर्ड 1938 में 10.6 सेंटीग्रेड सेट है। इतवार को चीज़ें ठंडी हो जाएंगी लेकिन दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहेगा। शहर में अगले हफ्ते से कुछ बर्फबारी शुरू हो सकती है। हम पीर की रात से मंगल तक कुछ जमा होने वाली बर्फ को देखेंगे। टोरंटो में इस मौसम सरमा में अब तक बर्फबारी की कमी नुमाया रही है। गुज़िश्ता साल पूरे जनवरी में 123 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी थी जबकि इस साल सिर्फ 27 सेंटीमीटर बर्फ जमा हुई है। 2022 में इसी महीने टोरंटो में 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ी थी।